नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो फोन करके कह रहे हैं कि हमारे घर पर जनगणना कर्मी जो थे वो पहुंचे नहीं हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उस रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा सवाल बिहार सरकार के जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के बाद अब कहीं ना कहीं हंगामा मच रहा है बिहार के राजनीति में। पिछले 3-4 दिनों से अगर बात करें, जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, तब से विवाद गहराता चला जा रहा है। अलग अलग जातियों के नेता इस बात को बताने में लगे हैं कि उनकी जातियों की जो संख्या बताई गई है, जो प्रतिशत पूरे बिहार भर में निकला है, वो सरासर गलत है, झूठा है, ऐसा वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया। इस दावे पर जदयू के MLC व मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के सारे सबूतों को सबके सामने रख दिया है और बता दिया कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आपके घर में जनगणना कर्मी नहीं पहुंचे हैं। पूरा सबूत मीडिया के सामने रखकर बता दिया है। अब इसके बाद फिर विवाद बढ़ गया, क्योंकि जिस तरीके से निजी डाटा नीरज कुमार के द्वारा शेयर किया जा रहा है मीडिया के सामने आकर, इस पर अब राजनीति धीरे धीरे बिहार की गर्म होती हुई नजर आ रही है। मुनाजिर हुसैन, जो हाल ही में जदयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, उन्होंने अब दामन थामा है, उन्होंने बड़ा विरोध जारी कर दिया है और कहा है कि कोर्ट तक हम जाएंगे, कैसे निजी डाटा हमारा शेयर कर रहे हैं। हम आपको सुनाते चलते हैं मुनाजिर हुसैन की, जिन्होंने नीतीश का दामन छोड़ के उपेंद्र कुशवाहा का हाथ थामा है और RLJD में मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने नीरज कुमार के इस आंकड़े पर सवाल खड़ा कर दिया है। सुनिए मुनाजिर हुसैन को क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आई है उसमें आपकी पार्टी के मुखिया जो हैं उन्होंने कहा है कि मेरे यहाँ नहीं आया था, लेकिन यह मामला अब गर्माता नजर आ रहा है क्योंकि इस पर अब आंकड़े सामने आ गए हैं कि आपके यहाँ, यानी आपके जो सुप्रीमो हैं उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ टीम गई थी और जांच भी किया है, इसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, इस पर प्रतिक्रिया हमारा स्पष्ट है। इस पर नीरज कुमार जदयू के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान आया और उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ गया, इतने परिवार हैं, इतना मकान नंबर है। तो सरकार का हलफनामा था जी सुप्रीम कोर्ट तक कि इसके जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा जी। तो ये सरासर न्यायालय की अवमानना है जी। तो हमारा इस पर यही कहना है कि पार्टी जो जनता दल यू है उसके प्रवक्ता ने बयान दिया है, उस पार्टी पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म करना चाहिए जी। तो आपके नेता ने भी तो कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाया है, उनके यहाँ तो जांच हुई है। नहीं, जांच हुई है, उनके नॉलेज में अगल बगल से जानकारी लिया हो जी, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ भी जानकारी लिया है जी, लेकिन हम लोगों से कोई बात नहीं हुई। हमने जानकारी लिया जी कि हमारे यहाँ कोई आया था क्या, तो अगल बगल के लोगों ने बताया कि हाँ आया था, हम लोगों ने आपका इन्फॉर्मेशन उनको दे दिया। चलिए, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386